1971 की जंग को ख़त्म हुए आज 47 साल हो गए हैं, लेकिन 54 ऐसे युद्ध बंदी हैं जो आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। उनमें से ही एक हैं सूबेदार आसा सिंह जी, जो कि 5th सिख रेजिमेंट में थे 1971 की जंग में। और आज तक आसा सिंह की फैमिली इंतज़ार कर रही है आसा सिंह का कि कब आसा सिंह को वापस लाने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सरकारें सहमति के साथ आसा सिंह और उनके साथ साथ बाकी 54 युद्ध बंदियों को वापस लेके आते हैं। आसा सिंह की फैमिली के साथ आज हम बात तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आसा सिंह जी की बेटी ने एक कुछ लाइनें लिखी हैं आसा सिंह जी के लिए, जो कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार सुने तो शायद उनको भी एक फैमिली का, एक बेटी का दर्द सामने आए। आपने मैम अपने पिताजी के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, ज़रा आप दोहराएंगे। मेरे प्यारे पापा, जान से प्यारे पापा, कब आओगे सरहद पार से, हमें गले लगाओगे, देश और देशवासियों की तरह सोया है भगवान, कब जागेगा जे भगवान और जागेगा हिंदुस्तान, आंखें तरस रही हैं और तरस रहे हैं कान, कब होंगे अपने प्यारे पापा के दीदार। बदकिस्मत होते हैं मेरे पापा, मेरे जैसे बच्चे जो पापा के होते भी नहीं पाते उनका प्यार, अगर होता भगवान का कहर तो हो जाते पापा देश पर कुर्बान, पर जे तो भारत ने है कहर डाया, पाक की कैद से 54 युद्धबंदियों को नहीं छुड़ाया, हे सोए भारत जागो, हम भी हैं इंसान कोई जानवर नहीं, हमारे सीने में भी दिल है कोई पत्थर नहीं, हमारे सब्र का मत लो इम्तिहान, जागो भारत के इंसान। ये कुछ लाइनें हैं जो आसा सिंह जी की बेटी ने लिखी हुई हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल कौर है। अब जो बात चल रही है करतारपुर कॉरिडोर खुलने की, कितनी आस है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब सहमति के साथ सूबेदार आसा सिंह जी को भी आपके घर में वापस भेजेंगे? हमें तो पूरी आस है कि नरेंद्र मोदी जी और सुषमा स्वराज जी हमारी ये अपील सुनेंगे तो उनको 54 युद्धबंदियों को, जब मेरे पति सूबेदार आसा सिंह को छुड़ाने की कोशिश करें। काफ़ी बार आपने भी अपील कर दी, मीडिया से भी बात कर ली, क्यों आज तक जो है ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से? हम तो बहुत चिट्ठियां भी लिखते हैं उन मिनिस्टरों को, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, हमारी कोई मतलब मदद नहीं करता है। हमें बड़ी आस है कि अब इस दफ़ा जो माहौल अच्छा हुआ है, करतारपुर का रास्ता खुल रहा है, तो उधर से ये अगर करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कितनी आस है आपकी आंखों को एक बार ताकि दीदार हो जाए आसा सिंह जी के? आस तो बहुत है, ये बयान नहीं कर सकते हैं, अपना दुख किसको बताएं, ये भगवान को ही पता है कि हमें कितना दुख है। मैम कितना इंतज़ार कर रही हैं आपकी आंखें अपने पिताजी के लिए? हम तो कतर से ही कर रहे हैं इंतज़ार, हमें तो बहुत ही आस है कि चलो आ जाएंगे मेरे पापा, आ जाएंगे, हम देखेंगे उनको तो उनकी चलो सेवा करें, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, मगर आस पूरी नहीं हुई, अभी भी आस है चलो कुछ पूरी हो जाए, रास्ता खुल रहा है उधर का करतारपुर का, चलो सिंधु साहब इमरान कुछ करें तो चलो हमारी आस भी कुछ पूरी हो जाए। सब लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, बेटियां अपने बाप के साथ रहती हैं, आप कितना 47 साल हो गए आपको अपने पिताजी को देखे हुए? आंखें तरस गई हैं, चलो हम भी कुछ देखें, मगर हमें कुछ आस नहीं हुई, आस पूरी नहीं हुई हमारी। हम शादियों में भी आस थी कि चलो एक बेटी की शादी में नहीं आई, चलो दूसरी की बेटी में शादी में आ जाएंगे, मगर वो भी पूरी नहीं हुई, सबकी शादी हो गई है, हम आस आस में ही रहे हैं, अभी तक आस है।
क्या आपकी अपील रहेगी मोदी जी से, एक क्योंकि वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप भी एक बेटी हो, आशा सिंह की बेटी हो, और क्या आप चाहते हो कि कब तक नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुने? हम तो कहते हैं चलो मोदी साहब कुछ करें, हमारे पापा को छुड़ा दें, हमें भी आस है कि मोदी साहब चलो पापा को छुड़ा दें 54 युद्धबंदियों को, तो बेटियां भी खुश हो जाएं, पापा भी खुश हो जाएं, चलो देख के आस आस ही है अभी। फिफ्थ सिख रेजिमेंट में सूबेदार आशा सिंह जी कहते हैं कि जब 1971 की जंग हुई थी तो उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानियों के भी, लेकिन आज हिंदुस्तान को भी चाहिए जो अपने युद्ध बंदी हैं जो पाकिस्तान के अंदर जेल काट रहे हैं उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान की हुकूमत से बात करके उनको वापस लाया जाए, ताकि ये फैमिली की भी आस पूरी हो कि सूबेदार आशा सिंह जी इनके घर पे जब वापस आ जाएं। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के साथ साथ काफ़ी सारे जो युद्ध बंदी हैं उनकी फैमिलीज़ को एक बार फिर से आस जुड़ी है कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनको शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान सर्वसम्मति के साथ उनको वापस ला पाएगा। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, JK मीडिया के लिए।